हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. आज के वीडियो में मैं आपको आई ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का एक प्रोसीजर दिखाने वाला हूं, जिसमें हम पेशेंट का ये जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको हम लोग काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं, इसमें सफ़ेदी आने के कारण पेशेंट की नज़र बहुत ख़राब हो रही है. इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉर्नियल मैकुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं. एक तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम है. करीब 10 साल के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती है. और ये प्रॉब्लम जो है, ये पूरी पुतली को भी इन्वॉल्व कर सकती है और पुतली के कुछ लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है. तो जब हमने पेशेंट को चेक करा, पेशेंट अगर जल्दी आ जाता, यंग उम्र में आ जाता, तो शायद पूरी पुतली को बदलने की ज़रूरत नहीं होती. ऊपर ऊपर की पुतली को बदल के हम लोग काम चला सकते थे. लेकिन पेशेंट थोड़ा सा लेट आया है, जब पूरी पुतली में बीमारी पहुंच चुकी है, और अब इसको ट्रीट करने के लिए इस पूरी पुतली को हम लोग आंख से निकाल रहे हैं और इसकी जगह पर एक दूसरे इंसान की पुतली, जो किसी इंसान ने मरने के बाद अपनी आँखों का दान करा है, उस आंख में से पुतली निकाल के पेशेंट की आंख में वापस लगा रहे हैं, जिससे पेशेंट की नज़र दोबारा साफ़ हो जाए. पेशेंट अपनी एक आंख का पुतली बदलने का ऑपरेशन ऑलरेडी एम्स में करा चुका है, लेकिन वहां से पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ. पुतली जो एम्स में लगी थी वो रिजेक्ट भी हो गई. तो अब हम उस पेशेंट की दोनों आंखों की पुतली को बदलने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन एकदम से नहीं करेंगे. सबसे पहले हम एक पुतली को ठीक कर रहे हैं ताकि पेशेंट की नज़र वापस आ जाए, और फिर उसके बाद अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरी पुतली को हम लोग प्लान करेंगे. तो दिखाता हूँ ये ऑपरेशन होता कैसे. मेरा नाम इरशाद है, मेरी उम्र 30 साल है. मैंने अपना ऑपरेशन एम्स हॉस्पिटल में करवाया था 2016 में. तो उसमें मेरा कोनिया का ऑपरेशन हुआ था. मेरे 2 साल के बाद मेरी आंखों में फिर वही परेशानी दोबारा चालू हो गई. मेरी जो कोनिया डली थी वो फेल हो चुकी है. वो वाली बीमारी फिर मेरी उस आंख में दोबारा आ गई जो थी. मैं आज यहाँ सर्जरी करवाने आया हूँ. इसकी वजह से मुझे कहीं भी काम नहीं मिलता. मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा. मुझे आने जाने में भी बहुत परेशानी होती है. अब मेरा ऑपरेशन हो जाए, मैं दुआ करता हूँ मुझे अच्छा दिखेगा. मैं सबकी तरह घूम सकूँगा, फिर सकूँगा, काम कर सकूँगा और अपनी फैमिली का हाथ भी बटा सकूँगा. सर्च करा कि दिल्ली के बेस्ट हॉस्पिटल कौन से हैं. सेकंड नंबर पे I7 आया. एम्स में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 साल पहले ही आँखों के लिए डोनेट के लिए अप्लाई करा था, पर अभी तक नंबर नहीं आया और मेरी दिक्कत बढ़ती जा रही थी. तो मैंने सोचा प्राइवेट ही करवाना अच्छा होगा. मैं जब I7 हॉस्पिटल में आया तो मैं डॉक्टर आसिफ से मिला. उन्होंने बताया कि आपका जिसका ऑपरेशन हुआ था उसका कोनिया फेल हो चुका है. मैंने पहले इसका ऑपरेशन करवाया था. अब उन्होंने बोला अरे इसका अभी ऑपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी. पहले आपकी जो दूसरी आँख में यही परेशानी है पहले उसे ठीक करते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और दोनों आँखें फिर आपकी परफेक्ट हो जाएगी. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ फ्रॉम I7 लाजपत नगर. सो टुडे वी आर गोना सी अ केस ऑफ अ केराटोप्लास्टी. दोनों आई से इनका धुंधला दिख रहा था. सो इनका प्रॉब्लम तो 15 साल था, तब से शुरू हो गया. धीरे धीरे रोशनी दोनों आँख से कम होती जा रहा था. सो एक आँख का ऑलरेडी केराटोप्लास्टी और जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है. आँख में भी अभी कम दिख रहा था क्योंकि वो ग्राफ्ट डालने के बाद वो ग्राफ्ट बॉडी एक्सेप्ट नहीं किया, वो रिजेक्शन हो गया. उसमें रिजेक्शन वजह से वो जो ग्राफ्ट है थोड़ा धुंधला हो गया, बट उस आँख से वो मेनली देख पा रहा था. उसमें अराउंड 3-4 मीटर तक देख पा रहा था. दूसरे आँख जिसमें बीमारी है अभी भी, वो उससे ही कम दिख रहा था, मतलब 1 मीटर से आगे उनका नहीं देख पा रहा था. बेसिकली ये डिजीज़ क्या है, वो मैकुलर डिस्ट्रोफी है. ये एक तरीके से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कॉर्निया का वो जेनेटिक डिसऑर्डर. सो हम सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन किया है. सो वो इन्वेस्टिगेशन में हमको इतना पता चला, पूरा लेयर, सारे लेयर ऑफ द कॉर्निया वॉज इन्वॉल्व्ड. ठीक है. सो यूजुअली ये मैकुलर डिस्ट्रोफी होता है, ऊपर का 4 लेयर में इन्वॉल्वमेंट होता है एंड जो अंदर वाला लेयर स्टार्टिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब वो खराब नहीं होता है. सो यूजुअली हम पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी कर सकते हैं. कभी भी लेट हो गया, पेशेंट लेट प्रेजेंट हुआ है, उसी टाइम पे क्या हो जाते हैं, अंदर का लेयर भी, जो पांचवी लेयर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो इनकेस 5th लेयर भी इन्वॉल्व हो गया, फिर हम पूरा सारे लेयर चेंज करना पड़ेगा. नाउ यू विल जस्ट सी द सर्जरी. सो इसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करके इसको हम ट्रिफिनेशन करेंगे इसमें. सो अभी पार्शियल ट्रिफिनेशन कर लिया पेशेंट को.
सो अभी इस पुतली को हम काटेंगे. ओके, नाउ यू आर सीइंग द कॉर्निया. ये पूरा कॉर्निया यू कैन सी कितना हेजी है, पूरा सफ़ेदपन है. ठीक है, ये कॉर्निया में आपका देख सकते हैं, ये इससे लाइट अंदर ही नहीं जा पा रहे, इस वजह से पेशेंट को नहीं देख पा रहे. सो आई हैव ऑलमोस्ट कट मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्निया. नाउ आई विल प्रिपेयर द डोनर ग्राफ्ट. सो अभी कॉर्निया, डोनर कॉर्निया को हम ट्रिफाइन कर रहे हैं, तो इसको सेंटर पे रख के सेंटर पे ट्रिफाइन करना पड़ेगा. तो अभी इस कॉर्निया, ये कॉर्निया रिप्लेस करने में यू कैन सी आपका जितना आपका जो लेंस वगैरह क्लियर है, जिस वजह से हम इसको कुछ लेंस को चेड नहीं रहे. एंड प्लस पेशेंट 31 ईयर्स है जो कॉर्निया डाल के अभी सूचरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट फोर सूचर्स आर वेरी key sutures. You need to be very quick because the eyes is totally open. You need to put proper quick sutures. So now we have come to the end of the procedure. Now you can see the graft and uniformly sutures have been put and the entire graft is. So to conclude, keratoplasty, though it looks little complicated procedure, sometimes it is the only procedure that can help the patient. For example, this patient, other eye also he is not able to see much. So if you want to make the patient ambulatory, or if you want to make the give some amount of vision to the patient, so keratoplasty would help. एंड सर्टेन चीज अब पेशेंट्स को समझना पड़ेगा, लाइक कभी भी रेडनेस हो रही है, दर्द हो रही है और विजन कम हो रही है, ये सारे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, तुरंत आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपका रिजेक्शन का सिम्टम्स हो सकता है. एंड रिजेक्शन को जितना जल्दी हम पिक करेंगे स्टार्टिंग में, तुरंत आपका दवाई से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर पढ़ रहे हैं, 0 5 4 2 7 2 3 5 5 5 again 7 7 again 3 3 very good again 4 4. पहले आप जब देख रहे थे सर्जरी से पहले, तब आपका विजन हैंड मूवमेंट था, बस इतना खास दिखता था, इतना ही. अभी आप जो पढ़ रहे हो वो 6x12 लाइन के दो लेटर आपने कम पढ़े इस लेंस के अंदर से जो होल में से देखा, बट इसके बिना जब देख रहे थे तो 6x18 विजन आपका पूरा आया क्लियर. तो पहले से बहुत बेहतर विजन है आपका. अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि अब अपने आप में कुछ भी काम कर पा रहा हूँ. अच्छा. बस थोड़ी अभी पानी चल रहा है आँखों में, डॉक्टर साहब ने कहा वो भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. अब मेरा 6x18 विजन आ गया है.